एक्सरसाइज 4.1 है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या है पहला क्वेश्चन है, एक समकोण होता है, क्या होता है एक समकोण होता है, समकोण कितने डिग्री का होता है, यानी कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, एक समकोण जो होता है 90 डिग्री का। दूसरा एक रेडियन बराबर होता है, तो एक रेडियन बराबर बराबर होता है, दूसरा है एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड 44 सेकेंड। तीसरा जो सवाल है, पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तीसरा जो सवाल है हमारा, तीसरा जो है पेंटागन का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितने बराबर होता है पेंटागन, इनके ये कोणों का योग कितने कोणों का योग होता है, कितना होता है पेंटागन, इसका कोणों का योग होता है 540, 72 डिग्री के होते हैं, तो 72 5 10 का 0 535 और 136 5 10 का 0 535 136, यानी कि 72 डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का होता है 72 डिग्री का कोण, तो ये होता है पेंटागन का कितना होता है 72 डिग्री का होता है। अब पूछ रहा है जो 72 डिग्री का कोण होता है कितने डिग्री का होता है 72, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, जो अब देखिए आंतरिक कोणों का योग होता है 540, यानी 540 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 8 40, यानी कि 108 डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है प्रत्येक 108 डिग्री का कोण होता है, 108 पांच कोण हो गए तो 5 से बड़ा कर लीजिए 5 8 40 5 5 यानी 540, कितना होगा पेंटागन का आंतरिक कोणों का योग 540 होता है। पाइथागोरस का संबंध है, अब जो छठा सवाल है चौथा है, चौथा क्या है पाइथागोरस का संबंध है, क्या होता है पाइथागोरस, ये प्रमेय होती है मैं आपको बताऊं, ए बी सी लंब आधार और कर्ण, 90 डिग्री पाइथागोरस में प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग ये पाइथागोरस में होती है। अब अगला है पांचवा है, पांचवा है सवाल है पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन कितना कोण होता है 180 डिग्री होता है कोण में पाई रेडियन का। छठा सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है 1, क्या होता है 1, ये फार्मूला है। सातवां जो सवाल है 1 + tan² θ, ये भी फार्मूला है 1 + tan² θ बराबर क्या होता है, तो हमें याद होना चाहिए sec² θ,
आठवां जो सवाल है, आठवां वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको फार्मूले के बताए थे। फिर नवां जो सवाल दिया है, नवां जो सवाल दिया है क्या दिया है, नमा दिया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। दसवां नंबर है साइन थीटा अपाव कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया था साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा। ग्यारहवां जो सवाल है साइन थीटा कॉसिक थीटा, ग्यारहवां जो सवाल है साइन थीटा गुणा कॉसिक थीटा, देखिए साइन थीटा कॉसिक थीटा होता है एक बेटा साइन थीटा, किसके बराबर होता है एक बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया तो हमारा बचा वन, ये ग्यारहवां सवाल हो गया। अब उसके बाद आया हमारा बारहवां सवाल है, बारहवां सवाल क्या है, बारहवां सवाल एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी, ये भी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ये इनका फार्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए बारहवां हो गया, तेरहवां सवाल है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या है, तेरहवां सवाल है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस वाले माइनस होता है साइन ए साइन बी, प्लस वाले में क्या होता है माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। अगला है टेन ए प्लस बी, चौदहवा सवाल है टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन इंटू टेन, ठीक है। और अगला सवाल है पंद्रहवा है, पंद्रहवा सवाल है क्या है, इस एक्सरसाइज में 100% आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, साइन टू ए साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए कॉस बी। सोलहवा जो सवाल है कॉस टू थीटा, यानी कि कॉस टू ए बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और इसके इक्वल और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एक और होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये 16 सवाल मैंने आपको करा दिए, 17वां है टेन टू ए, फिर है 18वां है सवाल साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, साइन 19वां है साइन 90, साइन 60, साइन 60 का मान सारणी में मैंने बताया था अंडर रूट 3/2,
फिर कॉस 60 का मान होता है, अगला है 20वां सवाल है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसके बाद होता है साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो बाकी आप 21 सवाल मैंने करा दी, बाकी आप एक्सरसाइज से सवाल करें, बाकी मैं आपको अगले